अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपनी वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की वीडियो है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने जा रही है उन लोगों के लिए जो मुझसे काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वसीम हमारे फेस पे काफी ज्यादा पिगमेंटेशन है या हमारे फेस पे काफी ज्यादा डार्क निशान है, जो डार्क स्पॉट्स है वो खत्म नहीं हो रहे। तो आज की जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है। आपका कलर भी बहुत ज्यादा फेयर होगा, इंशाल्लाह फेयर होगा, और आपके फेस पे पिगमेंटेशन है जो चाहे वो प्रेगनेंसी की वजह से है या किसी और चीज़ की वजह से है या फिर सन बर्न है, वो सब कुछ खत्म होगा। आज की ये वीडियो आप देख लेना, आपके लिए ही है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा वाइट होना चाहते हैं, मतलब लेकिन उन पर कोई क्रीम असर नहीं कर रही। लेकिन मैं जो आप लोगों के साथ फार्मूला शेयर करने जा रहा हूँ वो ऐसा फार्मूला है कि वो आपकी स्किन पर डेफिनेटली काम करे ही करेगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये इंटरेस्टिंग फार्मूला। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझसे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट की जा रही थी तो मुझे बनानी ही पड़ी। तो मैंने बहुत से लोगों को बोला कि अगर आपको पिगमेंटेशन है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन वो कह रहे थे कि आप ही हमें कुछ सजेस्ट करो। तो मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करने लगा हूँ वो कुछ चीज़ें हैं इस तरह से। आप वाइट होना चाह रहे हो और आपके फेस पे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स है लेकिन कोई भी क्रीम असर नहीं कर रही, तो जो मेथड में वो मेथड मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ आपने सेम वैसे ही यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो आपको इंशाल्लाह कलर बेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी इस क्रीम की जिसका नाम है, इस क्रीम का नाम है ये फ्लैट्रो क्रीम। मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ करनी चाहिए लेकिन ये मेरे किसी जानने वाले ने यूज़ किया तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये फ्लैट्रो क्रीम कुछ इस तरह से है कि जिनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, बहुत ही ज़्यादा गहरी स्याही होती है या फिर फेस पे कोई और गहरा निशान होता है तो ये उसके लिए ज़बरदस्त है। आपके फेस को मतलब आपके फेस पे कितना भी गहरी स्याही हो उसको ये खत्म करता है। लेकिन ये क्रीम तेज बहुत है, यहाँ पे देखो इसका ये काइंड ऑफ स्टेरॉइड है जो कि हमारी स्किन को ऊपर से उड़ाता है, हमारी स्किन की जो जिल्द होती है उसको ऊपर से उड़ाता है। देन इसके अंदर ये क्रीम है फ्लैट्रो, आपने ये यूज करनी है। मैं आपको इसका यूज बता दूं, आपने सोने से 30 मिनट पहले फेस पे अच्छे से क्लिंजिंग करनी है, मुंह धोना है, देन आपने अपने फेस पे ये क्रीम अप्लाई करनी है चने की दाल के बराबर जो इफेक्टेड एरिया है उस एरिया के ऊपर आपने इसको लगाना है, ठीक है। आपने 3 से 4 दिन इसको यूज करना है, बल्कि 5 दिन यूज कर लेना, इंशाल्लाह आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। लेकिन सुबह टाइम आपने इसको अप्लाई नहीं करना, लगा के धूप में नहीं जाना। अगर आप ये क्रीम यूज कर रहे हो तो आपने धूप की तरफ नहीं जाना, अगर धूप की तरफ जा रहे हो तो कोशिश करो आप SPF यूज करो, यानी कि सनब्लॉक यूज करो या कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करो जिसमें SPF हो। SPF के बगैर आपने सूरज में नहीं जाना अगर आप ये क्रीम यूज कर रहे हो तो। 4 से 5 दिन ही आपने यूज करना है, आपके फेस पे जितनी गहरी जितनी मर्जी पिगमेंटेशन हो वो चली जाएगी। मिकदार बिल्कुल चने की दाल के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्रीम है, आप ये देख लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। देन जब आपके फेस से पिगमेंटेशन खत्म हो जाए, क्योंकि ये खत्म करे ही करेगी, स्किन को ऊपर से उड़ा देती है और नीचे से नई स्किन निकलती है तो इसलिए पिगमेंटेशन खत्म होगी। तो और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये सिर्फ आपको 110 की या 120 तक की मार्केट में इजिली अवेलेबल होगी। अब आ जाते हैं इसके बाद परमानेंट कलर को व्हाइट रखने के लिए, ये छोड़ दिया तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, परमानेंट यूज नहीं करनी। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कुकिंग चैनल शेयर कर रहा हूँ, चैनल का नाम कुछ यूं है, आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त ये कुकिंग चैनल है। तो ये इंसान आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म की खाने की रेमेडीज शेयर कर रहा है, तो प्लीज इस चैनल को जाओ चेक करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सोने से पहले 30 मिनट लगानी और सुबह उठ के मुंह धो देने और पूरे फेस पे नहीं लगानी, वरना आपकी पूरी स्किन की जो पूरा फेस है जो उसकी स्किन उड़ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपने यूज करनी है फाइजा ब्यूटी क्रीम। फाइजा ब्यूटी क्रीम आपने यूज कर लेनी है, इसको जब छोड़ दोगे आप उसके बाद आपने फाइजा ब्यूटी क्रीम लेनी है। वीक में 2 बार आपने सिर्फ अप्लाई किए जाना है, उसके बाद जो स्किन वाइट निकली होगी उसको वाइट रखने के लिए ये क्रीम काफी ज्यादा असर अंदाज होगी। ज्यादा इस क्रीम को भी इस्तेमाल नहीं करना, रेगुलर यूज नहीं करना, वरना आपकी स्किन पे काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। वैसे इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड क्रीम, कोई भी क्रीम बुरी नहीं होती जब तक उसको आप अच्छे से इस्तेमाल करते हो, मतलब तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन भी खराब नहीं होती। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये आपने जो यूज करनी है वीक में सिर्फ 2 बार यूज करनी है और 3 घंटे के लिए लगाना है, उसके बाद आपने मुंह को धो लेना है। और जब मुंह धो लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल की मसाज अपने फेस पे करनी है डेली। एलोवेरा जेल की मसाज आपने अपने फेस पे करनी है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक चीज
शेयर करने लगा हूँ सीरम, वो आप लोगों ने बना के रखना है। पूरा मेथड बता रहा हूँ, आपकी स्किन केयर होती रहेगी और स्किन डैमेज भी नहीं होगी इंशाल्लाह। आपको चाहिए 1 चम्मच ककम्बर जेल, 1 चम्मच चाहिए आपको एलोवेरा जेल, इन दोनों को मिक्स करो। देन आपने इसमें ऐड करना है 4 से 5 चम्मच रोज वाटर के, यानी के अर्के गुलाब के। अर्के गुलाब ऐड करने के बाद आपने इसमें 200 mg वाला या 400 mg वाला एवियन का विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है वो आपने यूज करना है, ठीक है। इन सबको मिक्स करो, सीरम बन जाएगा। एक किसी जार में कंटेनर में निकाल लो, जब आप मुंह धो दिन में मुंह धो लो, जब मुंह धो लो क्रीम वगैरह अप्लाई कर ली, ठीक है। उसके बाद जब मुंह धोते हो आप, तो आपने फेस पे वो सीरम लाजमी अप्लाई करना है। फेस दिन में फेस पे वो 2 से 3 बार आपने वो सीरम लाजमी अप्लाई करना है। उससे क्या होगा, आपकी स्किन मतलब जितनी भी इन क्रीम्स की वजह से डैमेज हो रही होगी वो फौरन 7 साल हील होती रहेगी और आपकी स्किन पे कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी स्किन इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। यानी कि मैंने आपको तरीका कार्ड बता दिया, अगेन समझा दूं कि इसको आपने सिर्फ 4 से 5 दिन लगाना है, जितनी भी गहरी पिगमेंटेशन होगी चली जाएगी। बिल्कुल थोड़ी मिकदार में लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा लगाओगे तो स्किन उड़ जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, रगड़ना नहीं है, लेप करते हुए मतलब हल्की बिल्कुल थोड़ा सा लेके जिस इफेक्टेड एरिया उसके ऊपर आपने लगा लेना है इसको, ठीक है। सिंपल सा इसका तरीका कार है, कोई मुश्किल नहीं है इसका। नाम आप देख लो, ये फ्लैट्रो ये इसका नाम है, ठीक है। तो पाकिस्तान में इजीली स्टोर्स पे अवेलेबल है। देन आ जाते हैं इस क्रीम की तरफ। ये भी मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दिया है कि वीक में सिर्फ 2 से 3 बार लगाना है। 2 बार लगा लो, दी बेस्ट है, 3 बार भी ना लगाओ। और उसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद मुंह धोने के बाद आपने एलोवेरा जेल की फेस पे मसाज करनी है, ठीक है। एलोवेरा जेल की जब आप मसाज कर लोगे तो जो सीरम बनाया होगा वो लगा के आपने सिंपल सो जाना है। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो आप दूध की सिंपल क्लिनजिंग कर सकते हो, ठीक है। दूध का भी फेस पे काफ़ी अच्छा मतलब काम है, तो आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि आप एलोवेरा जेल ही यूज़ करो। बहुत ही अच्छे आपको इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, वो भी हो गया, मैंने दोनों समझा दिया आपको कि मतलब कैसे यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग सोचते होंगे एक प्लेटो एक बहुत ही हार्ड क्रीम है तो क्यों रिकमेंड कर रहा है। ये सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा बुरे निशान है, कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही। मुझसे मतलब एक जावेद भाई है इंडिया के, उनके साथ मेरी बात होती है, मतलब उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन है। तो ऐसे और भी लोगों से बात होती है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि भाई देख लो, इसको समझ लो, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी। नहीं यहाँ पे आपकी स्किन डैमेज करने नहीं आया, ना ही यहाँ पे मैं किसी व्हाइट कलर को प्रमोट कर रहा हूँ। हर वीडियो में बोलता हूँ, अल्लाह ने हर इंसान को प्यारा बनाया, हर इंसान प्यारा है, लेकिन ये हमारी ख्वाहिश होती है कि हम चाहते हैं घोड़े नजर आए या सांवले नजर आए। तो घोड़े नजर आना है तो भाई रेमेडी आप लोगों के सामने है, हाजिर है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे यूज़ करना चाहो बिल्कुल तरीके से यूज़ करो। डेफिनेटली ये क्रीम फ्लैट्रो हार्मफुल है, लेकिन एक बनाई मकसद के लिए, अगर मकसद के लिए यूज़ करोगे तो फिर उसका नुकसान नहीं। अगर इसका ज़्यादा मतलब एक्सेसिव यूज़ करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, फिर आपकी स्किन भी बहुत बुरी तरह से डैमेज होगी, फिर मैं भी नहीं कुछ कर सकता और मतलब मैं क्या हूँ, डॉक्टर्स भी नहीं कुछ कर सकते। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं, जस्ट मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ आंखें बंद करके आप यूज़ ना किया करो, थोड़ा सा टेस्ट कर लिया करो, अगर आपको सूट करे आप फिर ही यूज़ किया करो। बाकी अगर आपको कोई पिगमेंटेशन वगैरह ऐसा कोई मसला है तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ, दी बेस्ट है, लेकिन वो भी ऐसी क्रीम से ही रिकमेंड करेगा। तो मैं आप लोगों के पैसे ही बचा रहा हूँ कि आप ये यूज़ कर लो, तरीके से यूज़ कर लो, बेस्ट रहेगा। तो सारा फाइजा का भी आपको सारा समझ आ गया और सीरम का भी आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ही प्यारी होगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ इस किस्म का आपको ग्लो नजर आएगा। तो आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो भाई आप चले जाओ, दी बेस्ट है, लेकिन वो भी ऐसी क्रीम से ही रिकमेंड करेगा। तो मैं आप लोगों के पैसे ही बचा रहा हूँ कि आप ये यूज़ कर लो, तरीके से यूज़ कर लो, बेस्ट रहेगा। तो सारा फाइजा का भी आपको सारा समझ आ गया और सीरम का भी आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ही प्यारी होगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ इस किस्म का आपको ग्लो नजर आएगा। तो आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। बात चले जाओ, दी बेस्ट है, लेकिन वो भी ऐसी क्रीम से ही रिकमेंड करेगा। तो मैं आप लोगों के पैसे ही बचा रहा हूँ कि आप ये यूज़ कर लो, तरीके से यूज़ कर लो, बेस्ट रहेगा। तो सारा फाइजा का भी आपको सारा समझ आ गया और सीरम का भी आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ही प्यारी होगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा।